हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी का LLM का एग्ज़ाम कवर किए थे, आज हम लोग कवर करने वाले हैं LLM का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है, पेपर 2015 का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। आज हम लोग वो इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन रिसीव लॉ नोटिफिकेशंस। क्योंकि मैं सिर्फ लॉ से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, ओनली लॉ। ओके, कभी कभी अपने विचार रखता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही चैनल पे विजिट करेंगे तो वेलकम टू ईच एंड एवरीथिंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का 2015 का। पहला क्वेश्चन, द वर्ड ज्यूरिसप्रूडेंस फर्स्ट स्टार्टेड इन द कंट्री, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस पहली बार किस कंट्री में वर्ड यूज़ किया गया था, कहाँ यूज़ किया गया था। ये हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप सब वकील हैं, LLM तभी करने जा रहे हैं। तो क्या पहला ऑप्शन जर्मनी है, दूसरा ऑप्शन रोम है, तीसरा ग्रीस है, चौथा ब्रिटेन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जर्मनी में सबसे पहली बार जो है ज्यूरिसप्रूडेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पहला ऑप्शन इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू करेक्ट। ओके दोस्तों, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज एन एक्सरसाइज लॉजिक एंड नॉट लाइफ। अब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने कॉइन किया था, अब ये भी पता होना चाहिए भाई, वकील हो, ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ के आए हो सब लोग। क्या होमलेस ने, क्या ऑस्टिन ने, क्या लास्की ने, क्या सामंड ने? सामंड ने बहुत सारी चीज़ें खोजी हुई थी ज्यूरिसप्रूडेंस के, स्कूल वगैरह बहुत सारी उन्होंने लेख लिखे थे। लेकिन यहाँ पे सामंड में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि लास्की इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टू। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लॉ कंसिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स विच आर कोहर्सिव, एथिकल, नॉन कोहर्सिव या रिलीजियस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन आप लोग इसमें करेक्ट करोगे, पहला ऑप्शन कोहर्सिव है। लॉ कंसिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म विच आर कोहर्सिव इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज दैट, हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी ज्यूरिसप्रूडेंस का टॉपिक है। अब इसमें पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है फोर्थ में, थॉमस एक्विनस, बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है। चौथा हो जो दूसरा है वो आर स्टैमलर या जॉन्स फिनिस या लियोन डुगेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, करेक्ट आप इसको करिए, डी इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पजेशन अकॉर्डिंग टू सेवनी मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। कॉन्सेप्ट ऑफ पजेशन का जो कॉइन किया गया था टर्मिनोलॉजी, उसमें से क्या होना चाहिए इसमें, क्या एनिमस डोमिनी ओनली, कॉर्पस पजेशनस ओनली, कॉसी पजेशियो या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी का जो आंसर है, यानी कि आंसर नंबर डी होगा जो, बोथ ए एंड बी इसमें, यानी कि पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है आपका, प्रीसिडेंट्स आर कंसिडर एज सोर्स ऑफ लॉ, इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ, फ्रेंच लॉ या बोथ। सिक्स का जो आंसर होगा वो भी डी ही होगा। जब यहाँ पे एक तुक्का भी मारने वाली जो चीज़ें होती हैं, जब दोनों चीज़ें दे रखी होती ना, तो समटाइम्स हम लोग गेस कर लेते हैं कि हाँ क्या होगा। इंग्लिश प्रेसिडेंट जो होता है इंग्लिश लॉ में भी है आपके, इंडियन लॉ में भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेवन। कंसेशन थ्योरी किसने दी हुई थी, क्या कंसेशन थ्योरी के बारे में आप लोग जानते हैं, कंसेशन थ्योरी किसने दी थी? कंसेशन थ्योरी ना ऑस्टिन ने दी, ना हॉलैंड ने दी, ना पाउंड ने दी। कंसिस्टेंस थ्योरी गुरुदेव जो सामंड महोदय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सामंड इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अब कोरिलेटिव्स क्या हैं, कोरिलेटिव्स यानी कि आठ नंबर पे आप लोग आएंगे, राइट एंड ड्यूटी है, प्रिविलेज एंड नो राइट है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है। तो नन ऑफ दीज में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नन ऑफ दीज जो है ना बहुत फंसाता है भाई मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे कोरिलेटिव क्या हो गया, राइट एंड ड्यूटी से रिलेटेड है और प्रिविलेज एंड नो राइट से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर माई डियर फ्रेंड्स। नाउ
come to the question number 9, who said the existence of law is one thing, its merit and demerit another? ये किसने कहा था? किसने कहा था? हम सब बहुत जानते हैं ऑस्टिन के बारे में. ऑस्टिन ने ही इसको सही सही बताया था. ये देखो, तभी आप लोग कर पाओगे जब आप चीज़ें पढ़ पाए होगे, ज्यूरिसप्रूडेंस प्रॉपरली पढ़े होगे. इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना भैया, जो वीडियो भी आधे घंटे का, एक घंटे का बनने वाला है ना, वो 6 घंटे का बनने को आ जाएगा. इसलिए मैं ये सब चीज़ें अगर आप लोग चाहते हो एक्सप्लेन करूँ, तो अगले वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट कैन आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं. नेचुरल लॉ क्या होता है? नेचुरल लॉ रीज़न ऑफ अ मैन, इंटेलिजेंस ऑफ अ मैन, या सोशल इंटेलिजेंस ऑफ अ मैन, या काइंडनेस ऑफ अ मैन. रीजन ऑफ अ मैन इज़ द राइट आंसर. क्योंकि जो रैशनल चीज़ें होती है ना, वही नेचुरल लॉ को फॉलो करती है. रैशनल यानी कि कुछ रीज़न होना चाहिए जिस चीज़ का. हु सेड लॉ इज नॉट अ सेट ऑफ रूल बट इट इज़ अ मेथड और टेक्निक फॉर हार्मोनाइजिंग कन्फ्लिक्टिंग सोशल इंटरेस्ट. ये किसने कहा था? क्या हेरिंग ने कहा था, कि बेंथम ने कहा था, कि रॉस्को पाउंड ने कहा था, या डी ऑप्शन के महोदय ने कहा था? देखिए, ये जो हेरिंग है, बेंथम है, रॉस्को पाउंड है, सामंड्स हैं, ये सब बहुत बड़े विधिशास्त्री थे, बहुत बड़े ज्यूरिसप्रूडेंस के ज्ञाता थे. तो इन लोगों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी कॉइन कर रखी हुई, तो इसमें आप बिट मोर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं. लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं, रट लो यार, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो इसका ऑप्शन जो 11th का होगा वो सी होगा, रॉस्को पाउंड ने कहा था ये चीज़. तो रॉस्को पाउंड जो इसका आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th. लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड इज नॉट क्रिएटेड बाय आर्बिट्ररी विल ऑफ इंडिविजुअल बट स्लो अनवॉइडेबल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू होम? एनालिटिकल स्कूल को जाता है, या हिस्टोरिकल स्कूल को जाता है, या सोशोलॉजिकल स्कूल को जाता है, या नन ऑफ दीज को जाता है? तो यहाँ 12th का जो ऑप्शन होगा, यह हिस्टोरिकल स्कूल को जाता है. हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12th के लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13th. हम लोग क्वेश्चन नंबर 13th पे आ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 13th क्या है? राइट इन रैम इज राइट अगेंस्ट Which one of the following? Right in rem हम लोग पढ़ के आए हैं पहले भी. तो right in rem क्या पुलिस ब्रूटैलिटी से रिलेटेड है, या an individual से रिलेटेड है, या everyone से रिलेटेड है, या गवर्नमेंट से? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हेयर. तो सी आप लगाइएगा, यह सभी से रिलेटेड है right in rem का concept. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14th पे आते हैं. पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेड एज रिजल्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, मेड एज रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट, मेड बाई पर्सन इन अथॉरिटी, फॉलोड बाई एवरी वन. क्वेश्चन नंबर जो 14th का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट आंसर इज सी. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ईविल शुड बी रिटर्न्ड बाई ईविल. दिस थ्योरी इज नोन एज डिटरेंट थ्योरी, रिब्यूटिव थ्योरी, या प्रिवेंटिव थ्योरी, या रिफॉर्मेटरी थ्योरी. ईवल फॉर ईवल, पनिशमेंट फॉर पनिशमेंट, ये किस थ्योरी से रिलेटेड होगा? ये जो होगा रिफ्यूटिव थ्योरी से रिलेटेड होगा. यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ अभी मैच का है. मैच द फॉलोइंग जो आया है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 16th का. अब देखिए जो इसका ऑप्शन होगा, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑप्शन नंबर इसका डी है, वो एकदम सही होगा. अब देखिए इसमें आपको रिलेट करना है कैसे, जो 3 को आप किससे मैच कर, देखिए जो आपको इसमें रिलेशन करना है, ऑप्शन नंबर डी है. डी में कैसे जाओगे आप? थर्ड को देखिए, अब डेविड को किससे मिला दोगे? इनर मोरालिटी से. उसके बाद आप क्या करने वाले हो? देखो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये ऑप्शन मैं डी बता दे रहा हूँ, उसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, है ना, उसको मैच कर पाना इस तरीके से, इसलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. द ट्रू इज राइट रीजन इन एग्रीमेंट
विद नेचर वॉज प्रोपोकेटेड बाय सामन ग्रेसियस हार्ट या सीरियो। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर होएगा इसमें से डी होगा, यानी कि सिसरो ने इसको प्रोपाउंड किया हुआ था। टू रीजन एग्रीमेंट वॉज प्रपोज बाय सिसरो। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हु सेड राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट। राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट का कॉन्सेप्ट किसने दे रखा हुआ था? क्या ऑस्टिन ने? बिल्कुल नहीं। सामन ने? बिल्कुल नहीं। हार्ट का बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं, एलन ने दिया हुआ था। एलन ने ये ऑप्शन हमें बताया था, ये करेक्ट होने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग वाला है। मैं इसका आप लोगों को राइट आंसर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। इसका आंसर होगा डी। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, क्योंकि आई एम मेकिंग वीडियो फ्रॉम फोन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, अब हम लोग 20th क्वेश्चन पे आते हैं। यूगेन एरलिच इज वेल नोन ज्यूरिस्ट फॉर सोशल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी एट्रिब्यूटेड टू थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हिम। क्या लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशल फैक्ट्स? लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल कंपल्शन। देयर इज अ लिविंग अंडरलाइंग फॉर्मल रूल ऑफ लीगल सिस्टम। द स्टेट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग। व्हिच वन इज गोइंग टू राइट? इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा, द स्टेट लॉ हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21। प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑन एडवाइस सॉट बाय प्रेसिडेंट, ऑन मैटर रिफर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑन मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। तो 21 का आंसर क्या होगा? पॉलिटिका, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें करेक्ट होगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जब हाउस नहीं चलेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट साहब से बताएगी उसी के अनुसार प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है देश में जो भी चीज़ें होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती हैं। कोई भी ऑफिशियल गजट आता है प्रेसिडेंट के नेम पे ही आता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बताया गया है, पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओज इट्स अथॉरिटी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट्स इनहेरिट फीचर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। 22 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही होगा, इट्स इनहेरेंट फीचर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में आए गए हम लोग, काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मेंबर्स, 2, 3, 4, या नो क्लासिफिकेशन। 23 का आंसर होगा 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मेंबर्स, 2 क्लासेस यहाँ पे होती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो अगला है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर किसी काउंसिल में एक्सीड नहीं होने चाहिए। क्या 22% ऑफ द टोटल ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, या 15% ऑफ द हाउस, या 25% ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। द नंबर इज डिजायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की बिल नहीं चलेगी यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। इसलिए दोस्तों जो 24वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी करेक्ट, 15% होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी अरे गहरे को उठा के मिनिस्टर बना दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन द प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला अमेंडमेंट हमारी प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम सब पढ़ते आए हैं, प्रियम्बल हम सबको याद होनी चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया सबको पता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होने वाला है, पहला बार अमेंडमेंट प्रियम्बल में कब करा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1976 इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is true? A person cannot waive fundamental right, but the non-fundamental right? Can waive fundamental right, but the non-fundamental right unless he knows of it?
कैन वेव हिज राइट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, वेव इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 26 में जो सही स्टेटमेंट दे रखा हुआ वो वी होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। तो बी ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन राइट क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कैन वेव फंडामेंटल राइट बट द नॉन फंडामेंटल अनलेस ही नोस इट। तो आंसर नंबर बी आप इसमें टिक करोगे, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। रेजिड्यू टैक्स हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट स्टेट बोथ प्रेसिडेंट टू असाइन आइदर पार्लियामेंट और द स्टेट। क्वेश्चन नंबर जो 27 दे रखा है वो रेजिड्यू टैक्स का किस में है, पार्लियामेंट में है। भैया मैंने गलती से बी लिखा, उसको बी मत समझना, दैट इज ए, पार्लियामेंट में है रेजिड्यू टैक्स का पावर। अब अगले पे आइए, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा हुआ है, विच वन इज नॉट करेक्ट। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है, कमेंट करो जल्दी से बताओ, दे रखा है नहीं दे रखा है, वो ये गलत आंसर, ये सही आंसर है, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल सही आंसर है पहला वाला। उसके बाद देखिए, अब हमें क्योंकि गलत आंसर फाइंड आउट करना है ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर, ये भी सही है भाई, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर रिवीजन रिव्यू दाखिल होता है ना, अपना ऑर्डर खुद देखता है। जैसे अभी राम मंदिर वाला मुद्दा आया था, कितनी बार उसमें पुनर्याचिका दाखिल करी गई थी, पुनर्विचार याचिका। उसके पार्लियामेंट में बाय अ लॉ कन्फर पावर ऑन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स वगैरह को क्या कर सकता है भैया, कट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक रूल्स, या सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बना सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है भैया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, सोब्रियन है ये, इसका कमांड सबको मानना पड़ेगा, इसलिए 28 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है इसमें, क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट द स्टेट आर कंटेंट इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 249, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 371। स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स को जो दिया गया था किस आर्टिकल में, क्वेश्चन नंबर 29 का आर्टिकल नंबर 371। 370 तो यार कश्मीर में लगी थी ना बाल को, इसलिए ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट डज नॉट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स, कौन से अमेंडमेंट में स्टेट्स के द्वारा रेक्टिफिकेशन या करेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अमेंडमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ फॉर यूनियन टेरेटरीज, अमेंडमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, अमेंडमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर, अमेंडमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, आप लोग बताइए फटाक से। आंसर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 30 का, यानी कि आंसर, क्योंकि ये सेंटर का विषय है ना, अमेंडमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरेटरीज सेंटर करता है, स्टेट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, इसमें जो पिछला 30 का क्या था आंसर, मैंने लिखा नहीं, 30 का आंसर जो था ए था, 30th का। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन बट परमिट्स क्लासिफिकेशन, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल 15(4) या आर्टिकल 16(4) या आर्टिकल 14 या आर्टिकल 29। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट, आर्टिकल नंबर 14 डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करने वाले हैं किसी आधार पे, चाहे जातीय हो चाहे रंग रूप का हो, मैं काला हूँ तो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट मी, रेशियल सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, या कोई गोरा है तो रेशियल सेग्रीगेशन वो नहीं करेगा काले आदमी के साथ, या कोई छोटा है बड़ा है मोटा है पतला है, तो नोबडी कैन डू दिस, अगर करता है तो एथिकली भी गलत है ये, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको सजा भी मिलने का प्रावधान दे रखा हुआ है। विच ऑफ द, अब देखो अगला क्वेश्चन 33 पे आओ, 33 पे आते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आर्टिकल 31(b) एंड शेड्यूल 9 प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट इम्यूनिटी टू द एक्ट्स इंडीड एक्ट्स इंक्लूडेड देयर इन, आर्टिकल 31(b)
आर्टिकल 31B एंड शेड्यूल 9 डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट इम्यूनिटी टू द एक्ट्स इंक्लूडेड देयर इन. आर्टिकल 31B एंड शेड्यूल 9 प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द एक्ट्स डॉक्ट्राइन. आर्टिकल 31B एंड शेड्यूल 9 डज इज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन. आर्टिकल नंबर जो है इसमें से कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का, इसमें सी वाला ऑप्शन जो आपका होगा वो करेक्ट होगा. पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, एक बार में वीडियो देख के समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है. अब ब्रिटिश रूल इंडिया में कब एंड होता है. ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम टू एंड किस एक्ट के माध्यम से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है. क्वेश्चन नंबर 34 का इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो जून में आया हुआ था, ठीक है, उसके तहत होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा. उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों इन्फोर्सेबल नहीं है, बीइंग स्टेट्स ऑब्लिगेशन. आर्टिकल नंबर 37, या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, या ऑल ऑफ अब. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, समझ गए. तो आर्टिकल नंबर 37 क्या बताता है हमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल, किस लिए, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है. तो इस वजह से अब आप अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36 पे. द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल कौन सा इसमें आएगा, नॉट टू सिंग नेशनल एंथम इन पर्सुएंट टू रिलीजियस बिलीफ. तो बहुत गलत है यार, कुछ लोग तो मैं बताऊं आप लोगों को, अपार्ट फ्रॉम पेपर जा रहा हूं, कुछ लोग इतने निकृष्ट टाइप के हैं जो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, झंडे का अपमान करते हैं, खड़े नहीं होते क्योंकि उनका धर्म किनारे आ जाता है उसमें. कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, वी विल नॉट रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, वी विल नॉट स्टैंड, वी विल नॉट से फलाना फलाना. टारगेटिंग एनी कम्युनिटी. आई हैव सीन मेनी रिलीजियस पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज. एवरीवन दोज हु रिस्पेक्ट माय नेशनल एंथम, माय नेशनल एम्बलम, तो आई विल रिस्पेक्ट देम. दोज नहीं करते हैं तो उनको मैं सीधा क्रिटिसाइज करूंगा. क्वेश्चन नंबर 36 का सिंपल सा आंसर आप जान लो, बी है, यूज ऑफ एम्पलीफायर फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. आप अपना भैया पूजा पाठ कर रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं. चाहे मंदिर हो, बहुत तेज लाउड स्पीकर बजता है, वो बहुत हेक्टिक होता है, डिस्टर्बेंस होता है, और मस्जिदों को तो हम लोग जाने रहे 5 टाइम आता है. उससे अगर आप बोल दोगे किसी को तो आप कहेंगे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे आपका पूजा पाठ करना फंडामेंटल राइट है, वैसे हमारा भी फंडामेंटल राइट है कि हम अननेसेसरी के नॉइस पोल्यूशन को ना सुने, ये हमारा अधिकार है. तो आंसर नंबर जो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्पलीफायर या बहुत हाई प्रैक्टिस आप करके बाजा नहीं बजा सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37. आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट ऑफ पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट टू कंजर्व इट. तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा आर्टिकल 29. किससे रिलेटेड है आर्टिकल 29, हम सबको पता है, क्योंकि अल्पसंख्यक कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से रिलेटेड आर्टिकल 29 है. तो यहाँ पे 37 का जो है क्या बोलते हैं, ऑप्शन होगा सी होगा, कि उनकी लिंग्विस्टिक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको इसका राइट दिया गया हुआ है आर्टिकल 29 और 30 में, बेसिकली इसी से रिलेटेड है. अब इमरजेंसी मे बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड एक्सेप्ट ऑफ, किस ग्राउंड पे. वैसे राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय जब हमारे देश में क्या होता है, युद्ध की स्थिति आती है, एक्सटर्नल एग्रीगेशन होता है, आर्म रेबेलियन होता है. और इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी होता है तो क्या लग जाता है, आपातकाल, है कि नहीं. ये तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39. फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस.
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, या नेशनल वुमेन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, या ऑल ऑफ दीज के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, तो भैया ये तो बुद्धि की बात है। हम सबको पता है, वकील हैं हम लोग भाई, LLB करके आए हो तभी तो LLM करने जा रहे हो। समन कैसे कर देता है ह्यूमन राइट कमीशन या वुमेन कमीशन या SC ST आयोग आपको समन कर देता है, आप कोई टीका टिप्पणी कर देते हो। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो 39 का ऑप्शन है वो सी वाला है, यानी कि SC ST आयोग जो बना हुआ था, एक एक्ट के तहत ही बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडेड है। अब देखिए 40 क्वेश्चन है। बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन वॉज लेड इन द फॉलोइंग केस, संकारी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, या केशवानंद भारती केस, या इंदिरा नेहरू केस। जो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये सबको पता है हमारे महान 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 अनन्य महान केशवानंद भारती जी थे। केशवानंद भारती जी ने संविधान की रक्षा के लिए अनेकों अनेक केस कर रखे थे, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी, केशवानंद भारती केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें हमें बताई गई थी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हु प्रोपाउंडेड द पिजन होल थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स, फार्सर, सामंड, विनफील्ड, या पोलाक? क्वेश्चन नंबर 41, ये तो भैया याद कर लो, सामंड ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टॉट। टॉट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? टॉट इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉसेस, अ पर्सन सफरिंग डैमेज ड्यू टू कट्स ऑफ अदर इज इंक्लाइंड टू लुक द लॉ ऑफ रिड्रेस, टॉट कंपनसेट द फॉर मिसफॉर्च्यून, फंक्शन ऑफ टॉट इज एलोकेटिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस या डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉसेस। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा, मिसफॉर्च्यून के लिए टॉट जो है कंपनसेट करता है, इन्होंने बताया है, वो गलत है, मिसफॉर्च्यून के लिए नहीं करता है भाई। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हॉल्ट सीजर ऑब्जर्व इफ मैन विल मल्टीप्लाई इंजरीज एक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू, फॉर एवरी मैन हु इज इंजर्ड ऑट टू हैव रिकम्पेंस। अब इसमें क्या होगा, एफसे वर्सेस वाइट, डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, कैंपेल वर्सेस पडिंगटन और कॉरपोरेशन, चेज मोर वर्सेस रिचर्ड्स। 43 का जो ऑप्शन होगा, इसमें 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एफसे वर्सेस वाइट का केस था। इसको भैया पढ़ लेना, केसेस अगर याद करना चाहते हो, मतलब लाइफ में समझ के रखना चाहते हो, तो इसको कर लेना। द मैक्सिम उबी जस रिबी रिमेडियम मीन्स, ये जो मैक्सिम है लैटिन मैक्सिम है, इसका आखिरकार मतलब क्या निकल कर आता है? हमारे लॉ में बहुत सारी चीज़ें लैटिन मैक्सिम से ली गई हैं। देयर शैल बी नो रेमेडी फॉर माइनर लॉस, क्या ये इसका मतलब है? नहीं भैया, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, जब तक ये ऑप्शन सही होगा, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, दिस इज़ द राइट आंसर, टेक इट। अब अगले हम लोग ऑप्शन पे आते हैं भैया, अगले ऑप्शन पे आते हैं, ये ऑप्शन है, इट इज़ द एक्ट नॉट द मोटिव फॉर द एक्ट दैट मस्ट बी रिगार्डेड इफ एक्ट अपार्ट फ्रॉम मोटिव गिव्स राइज मेयरली टू चेंज विदाउट लीगल इंजरी, द मोटिव हाउएवर रिप्रेहेंसिबल इट मे बी विल नॉट सप्लाई दैट एलिमेंट। हु मेड दिस ऑब्जर्वेशन? लॉर्ड कैमडन, लॉर्ड वास्टिंग, लॉर्ड डेरिंग और या लॉर्ड मैगटन। इनको हम मनचाऊ मीन कह लेते हैं कभी कभी, मजाक की बात है। खैर, इसका जो 45 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मैकनागटन। ठीक है, आप जो भी प्रोनंशिएट करो भैया, हम तो हिंदी आदमी हैं। ठीक है, द फॉर्म, अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग करने जा रहे हैं। द फॉर्म ऑफ द एक्शन आर डीड बट देयर घोस्ट स्टिल हॉन्ट अस फ्रॉम their graves, it in their life they were powers evil and even their death they have not ceased from troubling us. Who made this comment? Winfield, Salmond, Holmes,
या फार्जर साहब बोलिंदा, इसको कौन बोला था? 46 का जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव सामंत महोदय थे ये भैया इतना थ्योरी दे दिए थे कि एलबीएम पढ़ पढ़ के हम लोग गए थे थक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड, कौन सा केस है? डॉनहॉक वर्सेज स्टीवेंसन, डेरी वर्सेज पीक, राइलैंड्स वर्सेज फ्लेचर केस था, ये बहुत फेमस केस है इसको पढ़ लेना, रिपोलमिस केस, ठीक है। तो 47th का जो राइट आंसर आने वाला है, 47th का राइट आंसर होगा राइसलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, बहुत फेमस केस था भैया, कि आप अपने घर में कोई सामान रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो और आपकी गलती की वजह से पड़ोसी की दीवार ख़राब हो जा रही तो आप फंस जाओगे ना, राइसलैंड इसी तरीके का केस था बेसिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। इन द केस ऑफ द टॉर्ट ऑफ डेफिमेशन पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट मीन्स, अगर डेफिमेशन क्या होगा, अगर कोई स्टेटमेंट आप पब्लिश कर रहे हो, 48th नंबर पे आइए, इट मस्ट बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, इट मस्ट बी पब्लिश इन बुक, इट मस्ट बी पब्लिश थ्रू पैम्पलेट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन अदर देन द प्लेंटिफ। तो भैया अगर आप किसी के खिलाफ पैम्पलेट लगा के कुछ बोल दे रहे हो, पेपर में तो आप कुछ भी छापो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप जो है डेफिमेशन का स्टेटमेंट कब हो जाएगा कि भैया आप जो है धमाधम पर्सन टू पर्सन जाके बता रहे हो तो डेफिमेशन लगेगा ना, बेइज्जती कर रहे हो, मानहानि होगी। तो 48th का डी होगा ऑप्शन करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस केस में हुई, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज कस्तूरी लाल, या विद्यावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, या श्याम सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, या एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो 49th का आंसर होगा एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी केस है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेंस इन एक्शन ऑफ डेफेमेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, फेयर कॉमेंट, कंप्लेजन या प्रिविलेज, ये इसमें से क्या ऑप्शन होगा? क्या पूछा इन्होंने भाई साहब ने हमारे पेपर में इन्होंने पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस इन एक्शन ऑफ डेफेमेशन, डिफेंस नहीं होगा क्या? जब भाई साहब डिफेंस डेफेमेशन में क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जब कंपल्जन कर दे रहे हो ना तो कंपल्जन कैसे डिफेंस हो जाएगा, इसलिए आपका 50वें का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 52। टू विच टॉट आउट ऑफ द फॉलोइंग द केस ऑफ हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फर्म लिमिटेड वर्सेस एमिट इज रिलेटेड। अब भैया ये वाला जो बहुत फेमस हॉलीवुड वाला केस जो है ये पढ़ लेना यार, तुम लोग याद हो जाएगा, समझ लोगे, बेसिकली समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये हर क्वेश्चन को जो है ना, जो केसेस है मजबूत वाले, अगर आप लोग कहोगे, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के। तो 52 का जो आंसर होगा ये न्यूसेंस से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू डेनम साइन इंजूरिया, डेनम साइन इंजूरिया ये तो पढ़ के आए हो, बार्डफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल, एलन वर्सेस फ्लड, मुगल स्टीमशिप वर्सेस जॉर्जर एंड कंपनी, एस बे वर्सेस वाइट। 53 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा एस बे वर्सेस वाइट। तो डी इज द राइट आंसर, भैया फोन में टाइप कर रहे हैं, अगर बी हो गया गलती से, हमने डी बना दिया, माफ करना तुम लोग, ठीक है, दोस्त हो, भाई हो, मित्र हो अपने, सो सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट टॉर्चर फीजर्स इज इनकरेक्ट, अब इसमें से क्या इनकरेक्ट होने वाला है? लाइबिलिटी फॉर जॉइंट टॉर्ट फीजर इज अ जॉइंट एज वेल एज सेवरल रिलीज ऑफ जॉइंट टॉर्ट फीजर इज अ रिलीज फॉर ऑल लाइबिलिटी इफ वन जॉइंट टॉर्ट फीजर पेज फुल कंपनसेशन ही कैन नॉट श्योर अदर जॉइंट टॉर्ट फीजर फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन If one joint tort feasors pays compensation, he can sue the other for contribution. तो 54 का आंसर क्या इसमें करेक्ट होने वाला है माई डियर फ्रेंड्स?
54 का आंसर होगा सी इज द राइट आंसर फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर केसेस ऑफ स्पेसिफिक टॉर्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें करेक्टली मैच कौन नहीं है, ब्रुक वर्सेस बूल जॉइंट टॉर्ट फीजर था, या हेनी वर्सेस हारवुड फॉल्स इम्प्रेजेंट से रिलेटेड था, या पार्वती वर्सेस मन्नार स्लेंडर से रिलेटेड था, या गाली गलौज स्लेंडर जो होता है ना आमतौर पर तुम लोग अबे तबे कर देते हो, इसको भी स्लेंडर मान लिया जाता है, या होल्टन वर्सेस जोन्स डिफेमेशन से रिलेटेड था. इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है. 55 का जो आंसर होगा वो बी होगा. इसमें हाइनेस वर्सेस हारवुड फॉल्स इम्प्रेजमेंट से रिलेटेड नहीं था, ये गलत है. तो बी इसमें आपका राइट ऑप्शन है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को जो वीडियो था जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम था उसमें भी ऐसा आया हुआ था, पी यूनिवर्सिटी का, ठीक है. 56 का जो आंसर आएगा, आंसर नंबर 56 का माई डियर फ्रेंड्स सी सही होने वाला है. सी किससे रिलेटेड है दोस्तों, इट इज़ रिलेटेड विद डेरी वर्सेस पर्क. इस केस में रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड नहीं था, बाकी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड था. अब 57 पे आइए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस के इज नॉट लाइबल फॉर द ट्रेसपास टू टीज लैंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. के थ्रोस स्टोन ऑन टीज लैंड, ट्रेसपास के लिए लाइबल नहीं होगा किसमें, ठीक है. के एंटर्स द टीज लैंड, प्रैक्टिसेस साइकिलिंग विदाउट परमिशन, ये तो 110% भैया क्राइम कर रहा है, उसकी जमीन पे जाके साइकिल या चला रहा है, तो ये तो के लाइबल हो गया. अब टी परमिट्स के टू कीप हिज कवर्स हिज काउस इन हिज लैंड फॉर 2 days, बट के कीप्स कंटिन्यूस, ठीक, कंटिन्यूसली रखता है काऊ और मंथ बाद भी नहीं हटाता कहने के बाद. फिर के हैविंग अ बिग ट्री इन हिज लैंड ओवर ग्रोन ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री ओवर टी हैंग टीज लैंड एंड लीव्स फेल द टीज वेल. अब इसमें के किस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है माई डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट होगा, लॉजिक लगा के जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ. ऑप्शन जो इसमें होएगा, के इज नॉट लाइबल इन बी एंड सी केस, के इज नॉट लाइबल इन केस ऑफ सी एंड डी, के इज नॉट लाइबल इन केस ऑफ ए एंड सी, के इज नॉट लाइबल इन द केस ऑफ टी ओनली. व्हाट विल बी द राइट आंसर, कमेंट करो जल्दी 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 बताओ. ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, 57 का डी होगा, ही विल नॉट बी लाइबल इन द केस ऑफ डी ओनली. तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. अब देखो यार ये मैच करने वाला को छोड़ दे रहा हूँ मैं, इसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैक्सिम एंड केसेस इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, ठीक है. मैं इसको राइट आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैचिंग वाला ना यार मेरे को माफ़ करना, खांसी भी आ रही है, वो समझ में नहीं आता. ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आप इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस is not related to tort of malicious prosecution से related, कौन सा केस नहीं है. बार्थ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, बहादुर सिंह वर्सेस बद्री शाह, या स्मिथ वर्सेस बेकर, या गया प्रसाद वर्सेस भगत सिंह, कौन सा इससे malicious prosecution से related नहीं है. तो 59th का जो आंसर होने वाला है वो सी आने वाला है, यानी कि स्मिथ वर्सेस बेकर का केस होगा, ये सही आंसर होने वाला है. अब हम लोग 60वें क्वेश्चन पहुंच गए हैं, 150 क्वेश्चन है टोटल मित्र इसमें, ठीक है, हम 60वें क्वेश्चन पे आ गए हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नो कंपनसेशन वॉज पेड फॉर नर्वस शॉक सफर्ड बाय प्लेंटिफ. हैमब्रुक वर्सेस वी स्टोक, या ब्रोहेल वर्सेस यंग, या डेली वर्सेस वाइट, या किंग वर्सेस फिलिप. ब्रेन स्ट्रोक के लिए प्लेंटिफ को कंपनसेशन किस में नहीं दिया गया, 60वें का. ऑप्शन नंबर बी ब्रोहेल वर्सेस बी यंग, ब्रोहेल वर्सेस यंग के मामले में नहीं दिया गया था. अब 61 पे आते हैं. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर. इसमें व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द एक्सेप्टर दैट द एक्सेप्टेंस हैज रीच्ड, when the proposer conveys the acceptance to the acceptor. इसमें से
कंप्लीट कौन सा है, तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 62 देख लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लगा लो। ए, बाय थ्रेट ऑफ सुसाइड इंड्यूस हिज वाइफ एंड सन टू एग्जीक्यूट अ रिलीज ऑफ डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, ब्लैकमेल समझ लो इसको, प्रॉपर्टीज दे क्लेम्ड एज देयर ओन। द थ्रेट बाय ए अमाउंट्स टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोहर्सिव, फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन। यार देखने में तो सब कुछ लग रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम टपक जाएंगे, फलाने चीज तुम कर दो, ठीक है। तो अब देखने में तो सब कुछ लग रहा है सही सही, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है 62 का, इसका आंसर कोहर्शन होगा, ठीक है, ओके, बी आंसर होगा। कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो अंडू इन्फ्लुएंस, मिस इंटरप्रिटेशन, कोहर्शन में कराओगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर 63 पे। ऑप्शन नंबर 63 जो आया है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रुपीज 1,000 इफ बीज हाउस इज बर्नड। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि घर जलेगा तो इतना मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वैगरिंग, अनलॉफुल या कॉग्निजेंट कॉन्ट्रैक्ट। भैया घर जलने की प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉग्निजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 63 का, ये डी वाले का ऑप्शन नंबर टिक कर देना, कॉग्निजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियोस बना के आप लोगों को दूंगा आगे चल के, इफ़ यू विल सी। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, व्हेन डज द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन केम इनटू प्ले। फ्रस्ट्रेशन आज मुझे हो गई मेरे जिम में और थोड़ी बहसबाजी हो गई है ना, अननेसेसरी के, बाकी ओवरऑल माई ओनर ऑफ द जिम इज़ रियली वेरी गुड, लेकिन हो गई और फ्रस्ट्रेशन निकल ही गई वहाँ पर, ठीक है। खैर अब क्वेश्चन पे आइए, व्हेन डज द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन केम इनटू प्ले, व्हेन देयर इज अ कॉमर्शियल हार्डशिप, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड, व्हेन आइदर द पार्टीज फील फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन बोथ द पार्टीज फील फ्रस्ट्रेटेड। 64 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है ना जब फेल हो जाता है, जैसे मेरे यहाँ वो जिम में डांसर है वो फेल हो गया, ठीक है, बच्चे नहीं कलेक्ट कर पा रहा, वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, इसलिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 65 माय डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू गिव सम टाइप ऑफ कंपनसेशन टू पनिश द पार्टी हु कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू पुट द पार्टी सस्टेन्ड लॉस इन द सेम पोजिशन एज इफ दे हैव बीन परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, टू इंडेज द पार्टी हु सबसाइडेस द लॉसेस। अब भैया लॉ कॉन्ट्रैक्ट कराया, बीच में छोड़ दोगे तो भाई, और आप अपनी गलती की वजह से छोड़ रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, या तो उसमें क्लॉज लिखा दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन आएगी हम विड्रॉ कर सकते हैं, तब आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप विड्रॉ की स्थिति में नहीं हो ना, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। सी क्यू राइट होगा, पार्टी सस्टेन लॉसेस को पे करेगी अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है। अब 66 पे आइए, 66 जो क्वेश्चन है, एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइट्स टेंडर इज एन ऑफर, एन इनविटेशन टू ऑफर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये ऑफर होता है, तो इट इज़ एन इनविटेशन टू ऑफर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए, इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट द ऑफर मेड मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट सोशल बाइंडिंग, मॉरल बाइंडिंग, लीगल बाइंडिंग, ऑल ऑफ अबव। तो 67 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, लीगल बाइंडिंग से रिलेटेड होता भाई, लीगल बाइंडिंग सी, इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट द ऑफर मेड मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग, प्रॉमिस मेड बाय पर्सन टू गिव सम अवार्ड ऑन डूइंग सोशल स्पेसिफिक एक्ट इफ डन बाय अ पर्सन नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर विल गिव राइज टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मॉरल कॉन्ट्रैक्ट। 68 का माई डियर फ्रेंड आंसर होगा नंबर बी, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
In order to convert a proposal into promise, the acceptance must be conditional, qualified, absolute या unqualified या all of above. भैया कोई प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, फलाना फलाना शर्त होगी तो ऐसी चीज होगी ना. 69 में आप लोग आंख बंद करके आंसर मार दो, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. ठीक है, 69 का आप आंसर आंख बंद करके सी मार दो, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट. समझ गए? तो सी इज द राइट आंसर. अब आंसर क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 70 हमें पूछ रहा है, अ प्रॉमिस इन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन इज बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन और ग्रेसियस. तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होने वाला है? ग्रेसियस. भैया ग्रेसियस होगा बिना जो है किसके, बिना कंसिडरेशन के कोई, बिना प्रतिफल के कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया भैया? प्रॉमिस कैसे हो गया कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे? प्रॉमिस करोगे तभी तो कुछ होगा. अब एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर. अब माइनर जानते हैं हम सभी की एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं. अगर कोई माइनर एग्रीमेंट बनाता है तो क्या होगा? वो अपने गार्जियन के बिहाफ पे बनाएगा या उसके लिए जो कोई बंदा उसका होगा लीगल जो अपॉइंट किया गया होगा वो बनाएगा. तो एग्रीमेंट तो जो है माइनर कर नहीं सकता, तो ये एग्रीमेंट तो लीगल है ही नहीं, शुरू से इलीगल है माइनर के द्वारा. तो वाइड एबेंटो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस. कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ल्यूनेटिक पर्सन ड्यूरिंग लुसिड इंटरवल. अब कोई ल्यूनेटिक यानी पागल वागल आदमी है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है लुसिड इंटरवल में, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाएगा? वो वैलिड मान लिया जाएगा क्योंकि लुसिड इंटरवल में यानी कि उस समय वो बुद्धि वाला था ना, इसलिए वैलिड हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स. Now come to the question number 73. An agreement between 2 person to gain or loss prize money on the result of a cricket match. Betting, समझ रहे हो ना, सट्टेबाजी, ये शुरू से गलत काम कर रहे हैं. Enforceable by law है ही नहीं ये, ठीक है, कानून इसको गलत मानता है, ये voidable contract है, शुरू से ही गलत है. समझ गए? तो 73 का option तो आप लोग समझ ही गए होंगे, void है, गलत है भैया. सी इज void, शुरू से गलत है, होता ही नहीं. अब 74 पे आओ. अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, वेवियर, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑल ऑफ अब. अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ अब. परफॉर्मेंस होगा, वेवियर होगा, ऑपरेशन होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस माई डियर फ्रेंड्स. अब क्वेश्चन नंबर 75 पे आओ. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड देयर इन बिटवीन द पार्टीज. कितने कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज़ें हो सकती हैं पार्टीज के बीच में. क्वेश्चन नंबर 75 पे आइए. 3 इज द राइट आंसर. हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन माई डियर फ्रेंड फॉर 75 क्वेश्चन. अब 75 से छोट के हम लोग थोड़ा सा 76 पे आते हैं. इन अ ग्रेसियस बेलमेंट द लेंडर ऑफ द थिंग मे रिक्वायर इट्स रिटर्न ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम. या बी ऑप्शन, लेंडर ऑफ द थिंग मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न. द लेंडर ऑफ थिंग्स मे रिक्वायर इट्स रिटर्न ऑफ फुलफिलमेंट और ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ अबव. 76 का जो ऑप्शन होगा, 76 का ऑप्शन नंबर होगा माई डियर फ्रेंड्स बी, लेंडर ऑफ थिंग्स मे एट एनी टाइम रिक्वायर टाइम पे रिटर्न करना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है. अब 77 पे आओ. द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हैज अ राइट द रिटेन टू रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर अंटिल ही रिसीव्स कंपनसेशन. वेयर देयर इज एनी ऑफर फॉर रिवार्ड फॉर लॉस्ट गुड्स द फाइंडर मे क्लेम सच रिवार्ड व्हेन द थिंग इज परशिएबल आइटम ही मे सेल इट. ऑल ऑफ अबव. इसमें से कौन सा सही होगा? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हैज राइट. जो किसी को खोया हुआ सामान मिलता है तो उस प्रोडक्ट पे उसके क्या राइट हैं? क्वेश्चन नंबर डी, सारे सारे राइट हैं इसको. ये जो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, तो वो रिटेन कर सकता है जब तक उसको जो है प्रोडक्ट को रखना है, कंपनसेशन भी पाएगा भैया सामान की सुरक्षा करने के लिए ना.
अब क्वेश्चन जो अगला वाला है उस पे आइए, अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचिए। अगला वाला क्वेश्चन है 78 नंबर का, इन अ प्लेज द पोनर पोनी कैन नॉट रिटेन द गुड इफ पार्शियल पेमेंट ऑफ डेट इज मेड, कैन रिटेन द गुड टिल द डिस्क्रिशन, रिटेन द गुड्स प्लेज टिल पेमेंट ऑफ डेट, रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट अलॉन्ग विद एक्सपेंसेस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 78th का मित्रों? 78th का मित्रों जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ही कैन रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस एंड द इंटरेस्ट। अब 79th पे आते हैं हम लोग। 79th क्या है? द लॉस सस्टेन इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिमेडीड बाय पेमेंट। अब 79th का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी होगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए पेमेंट करी जाने वाली है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करिए। अब अगले पे आइए, द सप्लाईज ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड द नेसेसिटी इज सूटेबल टू द कंडीशन ऑफ लाइफ ए सप्लाईज अ ल्यूनेटिक विद द नेसेसिटी इज सूटेबल टू हिज कंडीशन ऑफ लाइफ, ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट रिम्बर्समेंट फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, ए इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, ए इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्समेंट फ्रॉम बीज रिलेटिव्स प्रॉपर्टी या नन ऑफ दीज। आंसर नंबर बी होगा, ए को मिलेगा रिम्बर्समेंट बी की प्रॉपर्टी से, रिलेटिव से काहे मिलेगा भाई। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए, द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइन इन सेक्शन नंबर 94 ऑफ आईपीसी इज मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया नॉन कॉम्पस मेंटी इग्नोरेटा फैक्टी एक्सॉस्ट एक्टस मी इन्वेंटो फैक्टस इस्ट मीन्स एक्ट। भैया ये जो एडियम्स होती हैं ये याद ही नहीं होती है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी है। भैया बताओगे तो मैं वीडियो बना दूंगा आगे चल के इन सब पे। अब ऑप्शन नंबर 82 पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड द सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी इज अल्ट्रा वॉयस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस केस में हुआ था? आर वी गोविंदा या बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब या मच्छे सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब या मिट्टू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब बाजी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब 83 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि सेक्शन 124A डिफाइंस सेडिशन, इट वाज इंसर्टेड इन इंडियन पिनल कोड, किसमें? 83 का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 11th आर्टिकल 11 ऑफ 1875, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 84 पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड द डेथ सेंटेंस इज नॉट वॉयलेटेबल ऑफ आर्टिकल 14, 1921। भैया तुम रेप करके आ रहे हो, मर्डर करके आ रहे हो और दूसरों की हत्या कर दे रहे हो और तुमको छोड़ दिया जाए, ठीक यही चाहते हो, इसीलिए तुम केस कर दिए, और उनके वकील भी बहुत निर्लज्ज टाइप के रहे होंगे जिन्होंने उनका सपोर्ट करा होगा ऐसा केस करने के लिए। जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला था, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मामला था, इन्होंने केस करा कि ये फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन है। क्यों वॉयलेशन है भाई? तुम दूसरे की हत्या कर दोगे, उसके फंडामेंटल राइट तुमने नहीं वॉयलेट किए, तुमको सजा होनी चाहिए, मरो। अब हम लोग क्वेश्चन पर 85 पे आ जाते हैं, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल, प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल इन एक्सेप्शनल केसेस, कॉरपोरेशन मे नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एन ऑफेंस, टू कमिट क्राइम देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन मेंसरा एंड एक्टस। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है 85 का? 85 का जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ए है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल। ठीक है, 85 का आप ऑप्शन क्या टिक करने वाले हो मित्रों? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है इसका, कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी है, कॉरपोरेशन मे नॉट बी हेल्ड
लाइबल फॉर एन ऑफेंस, ये सही ऑप्शन है। गलती से मैंने मुंह से ए निकल गया, क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड इज अ लीडिंग केस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एक्सीडेंट, इंटॉक्सिकेशन, इनफेंसी। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, इंटॉक्सिकेशन। ये आंख बंद करके टिक मार लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर दिस। अब हम लोग 87th क्वेश्चन पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 87th क्वेश्चन जो है हमारा, वो पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड एंड सेक्शन 300 मर्डर। ठीक है, 299 कल्पेबल होमोसाइड्स बताता है, सेक्शन 300 मर्डर के बारे में बता रहा है, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, आंध्र प्रदेश वर्सेस आरआर पुन्नयन या पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या नेकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्स्यू। कौन सा ऑप्शन होगा 87 का? ए होगा, आंध्र वर्सेस पुन्नया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस। Now come to the question number 88. The principle of crime liability actus non facit rem nisi mens sit ra was developed by Court of Star Chamber, Court of Exchequer, Court of Laws, Privy Council. 88th का option है C, Common Court Law. ठीक, option number C tick करो। अब 89 पे आओ। According to Mac Norton rule, legal insanity is quite different from medical insanity. It is related to total loss of cognitive faculties, total loss of cognitive faculties, cognitional insanity, none of these. 89th का जो आंसर होने वाला है, 89th का आंसर होगा इसमें B, यानी कि total loss of cognitive faculties. अब 90th क्वेश्चन पे आइए। 90th क्वेश्चन पे आइए। अ डिस्टिंक्शन हैज ऑलवेज वेल एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन नेकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड, बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149, बिटवीन सेक्शन 361 एंड 362, बिटवीन सेक्शन 350 एंड सेक्शन 351, सेक्शन 378 एंड सेक्शन 383। राइट आंसर इसमें होगा सेक्शन नंबर 90, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सॉरी सेक्शन राइट आंसर होगा ए, सेक्शन नंबर 34 एंड 149, 90th का होगा आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 91। ए इज अ गुड स्विमर, फाइंड्स बी डाउन ड्राउनिंग इन अ रिवर, ए डज नॉट सेव बी एंड बी एंड बी डाइज ऑफ ड्राउनिंग, डूब के मर गया। What offense A shall be guilty? Murder, culpable homicide, not amounting to murder, causing death by rash, not liable for any offense. भैया वो देख रहा था कोई आदमी मर गया, he is not liable for anything. वो उसकी will है कि वो बचाए किसी को जाके या ना बचाए, उसको तैरना आता है तो क्या हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, सेक्शन 309 ऑफ द पीनल कोड ऑब्जर्व to be affected from statute book to be humanized are penal laws. It is cruel and irrational provision and it may result in punishing person again doubly who had suffered agony and would be undergoing ignominy before of his failure to commit suicide. The Abbott dictum was laid down by Supreme Court in case of, इसको पढ़ के भैया देख लेना, मैं करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसका जो 92 का जो ऑप्शन होगा डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ, पी रथीनाम नागभूषण पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था ये, उसमें बताया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप बी टिक कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑब्जर्व दैट दे ऑल्सो सर्व Who only stand and wait in leading case Brendu Kumar Ghosh versus Emperor Sri Madhavan Nair, Lord Sumerer, Justice Subba Rao, ya Lord Acton?
93 का जो ऑप्शन होने वाला है इसमें बी होगा, लॉर्ड समनर। ओके, अब 94 पे आइए। 94 क्या है मित्रों? 94 ये ए इंस्टिगेट्स बी इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड जेड कमिट दैट ऑफेंस इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीस इंस्टिगेशन, गिल्टी ऑफ एबेटिंग मर्डर या गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ए के लिए होगी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इंटरनल हाइडिंग या नॉन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। इसमें क्या होगा 94th में? 94th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा, गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ए काहे कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए। जेड इट स्ट्राइक्स बी, बी इज बाय दैट प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वॉयलेंट रेज, ए अ बायस्टैंडर इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बीज रेज एंड कॉज हिम टू किल जेड, पुट्स अ नाइफ इनटू बीज हैंड फॉर पर्पस, बी किल्स जेड विद द नाइफ, व्हाट ऑफेंस बीन कमिटेड बाय ए, कल्पेबल ऑफ होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल ऑफ होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अबेटिंग कल्पेबल होमोसाइड अटेम्प्ट टू मर्डर। 95 का ऑप्शन क्या होने वाला है? 95 का ऑप्शन होएगा ए, कल्पेबल ऑफ होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। समझ लेना, बहुत लॉजिकल समझ जाओगे भाई, मैसरे है दुराशय है तभी आप हत्या कर दोगे, और कर दिए तो भाई सजा मिलेगी, ये थोड़ी ना कह सकते हमको रूल पता नहीं था, भारत में रह रहे हो कानून जानोगे। 96, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप अपने देश में रह रहे हैं तो देश के नियम कानून आपको पता है, क्योंकि ऑफिशियली गजट प्रकाशित किया जाता है कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने से पहले, तो ये हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जाने, इस तरह के कृत्यों से बचें। इसलिए मैंने कहा भारत में रह रहे हो तो भारत के कानून जानो, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कोई लोग मत करना। अब 96 पे आते हैं। ए पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टी इंक्लूड्स जेड टू साइन और अफिक्स हिज सील टू ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए, जेड साइंस एंड डिलीवर दैट पेपर टू ए, इज गिल्टी ऑफ रॉबरी एक्सटॉर्शन चीटिंग और या फ्रॉजरी। तो भैया आप ब्लैक पेपर पे साइन करा लोगे, ऑफ एक्सटॉर्शन का ऑप्शन है बी, इसमें करेक्ट होगा। अब 97th पे आइए। द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 354A IPC में बी कमिटेड बाय मैन ओनली, वुमेन ओनली, मैन एंड वुमेन बोथ, अ मैन अबव द एज ऑफ 18 ईयर ओनली। 97th का आंसर क्या होगा? मैन ओनली। सेक्सुअल हरेसमेंट का केस भैया सिर्फ आदमी चलेगा ना, क्योंकि वो देख ही रहे हो अभी ऑटो वाला जो ओला वाला बेचारा था उसको पीट दिया उस लड़की ने, आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाई। अब समझ सकते हो अगर उस बेचारे ने एक थप्पड़ सेल्फ डिफेंस में मार दिया होता, पुलिस उसकी ज़िंदगी मारती, नाश करके धर देती। आप समझ सकते हो महिला होने कितना प्रोविजन है। महिलाओं जो आप सज्जन हो उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बिल्कुल मैं आप लोगों पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके अपने कानून जो हमारा कमज़ोर है डबल स्टैंडर्ड वाला है उसकी बात भी बता रहा हूँ। 98 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, से रिलेटेड नहीं है? अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, मलिकियात सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, माफ कीजिएगा, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यूसुफ अब्दुल एतियाद वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, यूसुफ अब्दुल एजाज वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 99 वाले पे। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जीज ग्राउंड विदाउट हिज परमिशन एंड टेक्स इट अवे विदाउट जीज नॉलेज, भैया उसकी पेड़ काट दिए और उठा ले गए, तो इसमें आप किस चीज़ के लाइबल होने वाले हैं बिना किसी की जानकारी के? थेफ्ट के, चोरी के। ए ऑप्शन राइट है, ट्रेसपास तो बाद में लगेगा, पहले चोरी लगने वाली है, ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट ओवर हियर। नाउ कम टू 101, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 वाज पास्ड अंडर विच लॉ, विच आर्टिकल? 101 का आंसर क्या होगा? डी, आर्टिकल 252 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। यूनाइटेड ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 1992 वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट, पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। 102 का जो ऑप्शन होगा सी, डेवलपमेंट भी फोकस किया था, फालतू बातें करने के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम नहीं है, दे टॉक ओनली अबाउट ऑफ डेवलपमेंट, तभी बॉस
फॉरेन कंट्रीज आर टू डेवलप्ड और हम लोग भी डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत डेवलप होने वाले हैं, इंडिया विल बी नो सुपर पावर आफ्टर फ्यू ईयर्स। सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड कंप्राइजेस चेयरमैन एंड 13 मेंबर्स, चेयरमैन एंड 16 मेंबर्स, चेयरमैन एंड 15 मेंबर्स, चेयरमैन एंड 17 मेंबर। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका भी अब देख लो, सेंट्रल बोर्ड फॉर जो है पॉपुलेशन के लिए बनाया हुआ है यार, 16 मेंबर भरने की क्या जरूरत थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, तुम ही पॉपुलेशन बढ़ाए दे रहे हो इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 104 पे आओ, फॉलोइंग इज द फर्स्ट केस प्रटेनिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पहला केस था रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस, कानपुर टेनरीज केस, दून वैली केस, वेल्लोर सिटीजन केस। 104 नंबर का जो ऑप्शन होगा दून वैली केस, सी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑन सैंपल कलेक्शन फ्रॉम एन इंडस्ट्री, 105 होने वाला है, रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड लैब शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट लैब शैल बी एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, एग्जाम्पल शैल बी सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लैब फॉर एग्जामिनेशन, द कोर्ट्स शैल एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रीशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्लैब शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। अब 106 पे आइए आप लोग, वर्ड अबेटमेंट इज फाउंड इन द प्रीएम्बल, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या ऑल ऑफ अबव में अबेटमेंट किस में पाया गया है। 106 पे आइए, 106 में जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट होगा, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज किक नेम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। 107 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करूँगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अम्ब्रेला से रिलेटेड, यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ तुक्का भी मार सकते हो। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेंट ऑफ द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन द एक्ट इज एप्लीकेबल इज नॉट गिवन एंड रिफ्यूज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बाय द बोर्ड, द कंसेंट इज डीम्ड टू हैव बीन गिवन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। कितने मंथ का पीरियड होगा भैया, 108 पे आइए, 108 में 4 मंथ का पीरियड बताया गया, 4 मंथ्स का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा आपका, ठीक। उसके बाद आइए 109 पे जो बताया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 48A एंड 51G। किस केस में बताया गया था, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑप्शन नंबर बी है, सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। नाउ 110 पे आइए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में बी डिक्लेयर्ड बाय द, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया कौन डिक्लेयर करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब 111 क्वेश्चन पे आइए, लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द एनवायरमेंट लेजिस्लेशन वॉज डन इन द ईयर, एनवायरमेंट पे लेटेस्ट अमेंडमेंट कब करा गया था, 111 में जो बताया गया है वो सी में बताया गया है, यानी कि 2010 इज द राइट आंसर ओवर हियर। उसके बाद फॉलोइंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूट हंटिंग, हंटिंग से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, इसमें से 112 का थोड़ा धुंधला हो गया, 112 का जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए आएगा वो डी आएगा, सारे के सारे, किलिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल, कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल, ठीक है, डिस्टर्बिंग नेस्ट ऑफ द बर्ड, ऑल ऑफ अबव, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ओवर हियर। इन 113 पे आते हैं, इन अ वाटर सेंचुरी फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट अप्लाई, टीजिंग ऑफ एनिमल, एंट्री ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, पासेज ऑफ वेसल, टूरिज्म, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पासेज ऑफ वेसल्स, ठीक है। अब 114 पे आते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बी इम्प्लीमेंटेड बाय, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन लेके आ रहा है 114 में, डी लेके आ रही, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन इज द राइट ओवर हियर। अब देखिए दो चीज़ें धुंधली हो रही हैं हल्की सी, 125 क्वेश्चन है, अब यहीं पे इसको हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जिनको चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन वो कर रहे होते हैं और उनको कंटेंट नहीं मिलता है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने आप लोगों से काफ़ी हद तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं कल दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह का एक वीडियो डालूंगा, उसको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाइए और डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट देना यार, बहुत मेहनत करिए, गला बैठ जाता है, बोलते बोलते खांसी आने लगती है। जय हिंद, वंदे मातरम।